कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फौरी एक्शन ले, जिसको उम्र कैद की सजा दी गई है वो आदमी को रिलीफ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे आदमी को, ऐसे जो लोग हैं जो जेल के अंदर जमानत नहीं हुई और उनका कालावधि पूरा हो गया है, ऐसे लोगों की जहाँ जेल में ज़्यादा लोक संख्या से ज़्यादा संख्या है, ऐसे जो लोगों को रिलीफ करना, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था, ना कि मुजरिमों को, कातिलों को छोड़ना। इन्होंने जान पूछ के ये लोगों को छोड़ा है और सामने जो है गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये दोषियों को छोड़ा है, उनके जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया है। और इससे ये साबित होता है कि ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें ऐसी जो बात चल रही है ये बहुत। ये दो निवेदन है आपके पास में, एक तो जनजागरण समिति की तरफ से, हम खासतौर से शुक्रिया मानते हैं, महिला मंडल की तरफ से एक है। दोनों भी निवेदन का कारण ये है कि गुजरात में जो लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसके अंदर सीबीआई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जिसको सजा दी थी दोषियों को, उनको छोड़ दिया गया है। आपके मार्फत जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हम ये अप्लीकेशन दे रहे हैं कि वो दोषियों को जो रेप केस के अंदर सजा हुई थी, उम्र कैद की, और जिन्होंने मर्डर किए थे, आप हमारी ये बात ऊपर तक पहुँचा दें। ये आपसे हमारी आवेदन दिया गया है डिविजनल कमिश्नर को, क्या डिमांड है आप लोगों? आज दो निवेदन दिए गए यहाँ से, एक निवेदन जन जागरण समिति महाराष्ट्र की तरफ से दिया गया और एक निवेदन जो दिए हमारे आबिदापा और बाकी जो महिला है जो उनकी तरफ से दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल संस्था की तरफ से। दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट है और बहुत पुराना है। गुजरात के अंदर जो लोगों को कल छोड़ दिया गया है, देश की 75वीं सालगिरह के मौके के ऊपर, जो ऐसे दोषी लोग जिसने जो है रेप केस के अंदर उनको सीबीआई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, ऐसे 11 लोग ने मिलकर जो है एक मजलूम औरत का साथ में, अल्फाज भी बोलने को नहीं आते कि उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था और 7 लोगों का उन्होंने मर्डर किया। इस सारी चीज़ को नीचे की सीबीआई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उसके बावजूद रियासत की गुजरात सरकार ने ऐसे दोषियों को कानून के खिलाफ जाके उनको कल रिहा कर दिया है। ऐसा काम करने से गुनाहगार लोगों के अंदर जो है और इस तरह की जो है माफ़ी की वजह से उनमें और गुनाह के रास्ता तैयार करेंगे और ये कानून का उल्लंघन है। ख्वातीन की जो इज्जत मर्यादा और उसके जो कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है। लिहाजा हमने आज यहाँ पर जो दरख्वास्त दी है, मेमोरेंडम दिया है, सब ने मिलकर जितने माजी नगर सेवक और शहर के जो क्रीम हैं यहाँ सोशल वर्कर, सामाजिक संस्था से जुड़े लोग हैं जो आपके पास सामने खड़े हैं, कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के मार्फत हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है दरख्वास्त दी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फौरी एक्शन ले, जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो आदमी को रिलीफ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे आदमी को, ऐसे जो लोग हैं जो जेल के अंदर जमानत नहीं हुई और उनका कालावधि पूरा हो गया है, ऐसे लोगों की जहां जेल में ज़्यादा लोक संख्या से ज़्यादा संख्या है, ऐसे जो लोगों को रिलीफ करना, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था, ना कि मुजरिमों को, कातिलों को छोड़ना। इन्होंने जान पूछ के ये लोगों को छोड़ा है और सामने जो है गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये दोषियों को छोड़ा है। ये देश की जो सरकार है वो जो है इस तरह के मुजरिमों का साथ देने वाले, जो पैसा लेके यहाँ का भागने वाले हैं यहाँ के जो लोग, और ऐसे लोगों को पैसा माफ करने वाली जो सरकार है, केंद्र सरकार, हम उसका निषेध करते हैं। अगर इन्होंने फौरी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ, तो हम अवामी आंदोलन करेंगे और लोकशाही हित से हम जो है फिर सड़कों पे आएंगे, उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे और कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं मोहसिन अहमद, सदर जन जागरण समिति महाराष्ट्र, और हमारे आबिदा बेगम, सलमा बाजी, मैजबिन बाजी और तमाम जो लोग हैं वो महिला मंडल से जुड़े हुए हैं, हिदायत भई है, मुनाब भई है, फजल भई है, ये सब लोग जितने सीनियर हैं यहाँ के नगर सेवक देने आए हैं। ये केस था 2002 में बिल्किस बानो के, जो अन्याय हुआ था उनके ऊपर, तो
उसके खिलाफ उनके जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया है, और इससे ये साबित होता है कि ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें ऐसी जो बात चल रही है ये बहुत बुरी बात है। लोकशाही का कहीं खात्मा तो नहीं हो रहा, हमें शक हो रहा है। हमारे जैसे सामान्य नागरिकों को अभी कोर्ट का कैसे क्या यकीन करेंगे, वो कैसा भरोसा करेंगे, कैसे जीना किसी ने, मतलब नागरिक ने कैसे जीना, ये बहुत अफसोसजनक बात है। और उसके लिए हम ये आंदोलन भी करेंगे आगे जाके, अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए तो हम निषेध करते हैं उन जो अपराधियों को छोड़ा इस बात का। औरंगाबाद अपडेट्स चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है, और इस चैनल के 2 करोड़ व्यूअरशिप है, और एक अच्छे साफ सुथरा जर्नलिज्म जो है इस चैनल के जरिए से होता है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम होता है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को नेक ख्वाहिशात अपने पेश करती हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म जो है उसकी आज ज़रूरत है, अनबायस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। आप करते रहिए और हम आपके साथ हैं। औरंगाबाद अपडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद, जय हिंद।